हेलो दोस्तों, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप क्या सब अच्छे हो। और मैं भी अच्छा हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, और व्लॉग की शुरुआत करते हैं आज कपड़े धोने से। हाँ भैया, आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। साड़ी शादी की, जो मैंने शादियाँ पहनी थी, सादे कपड़े वो धुरे हैं। और जींस टी शर्ट पूजा ने पहले गर्म कपड़े धो दिए हैं, तो और कुछ कपड़े नीचे धुरे हैं, देख सकते हैं आप। अब पूजा कर रही है खाना बनाने की तैयारी। खाने बना रही है आज कढ़ी चावल, और पूजा ने मट्ठे में बेसन मिला दिया है, और उसके बाद हल्दी नमक मिर्च डाल रही है। अब मिर्च पाउडर, पहले हल्दी पाउडर डालो। और सब मसाले डालने के बाद ये पूजा अच्छे से घोल मिला देगी, इसका पेस्ट बना देगी। और आज पूजा बना रहे स्पेशल कढ़ी आलू डालकर, तो देखिए कैसे बनाती है आज आलू डालकर कढ़ी, बहुत अच्छी बनती है। ये 2-3 फेरी पहले बनाई है पूजा ने कढ़ी। ज़्यादातर तो कढ़ी में पकौड़ी डालते हैं, लेकिन पूजा आज पकौड़ी नहीं डालेगी, सिर्फ आलू डालकर बनाएगी। और पूजा ने दोबारा हल्दी डाल लिया, क्योंकि हल्दी कम रह गई थी। यहीं पर पता लग जाता है कि हल्दी कम कितनी है। सब मसाले और बेसन अच्छी तरह से मिला देंगे, उसके बाद पूजा कढ़ी छौंकेगी। वो छौंक का सामान पूजा ने डाल दिया है कढ़ाई में, देख सकते हैं आप। इसमें पूजा ने मेथी डाल लिया है, साबुत में लाल मिर्च डाल लिया है, और प्याज है, और देखिए आलू भी रखे हैं यहीं पर, आप देख सकते हैं। और पूजा बना रही है आलू वाली कढ़ी स्पेशल। और पूजा का छौंक हो चुका है अच्छे से, तो पूजा डालने वाली है आलू, और देखिए पूजा ने आलू डाल दिए हैं। और आलू को देखिए पूजा अच्छी तरह से हो नहीं है, पूजा अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। उसके बाद जो कढ़ी का पेस्ट है वो कढ़ाई में डाल देगी। कड़ी बन चुकी है, देखिए थोड़ा कलर चेंज दिख रहा है लाइट की वजह से, उसमें चावल है। ये देखो थोड़ा, अच्छा अच्छा
विराज की बता दो क्या वो बच्चे आपको ले फिर रहे थे। मैं पड़ गिर जाई वहां, मैं कहने लगी मका पूजा, मका पूजा को आवाज मारी विराज तो क्या कहे, पूजा दीदी तो बात काम कर रही, आप लेट रहे हो आप बांध दो। मका अच्छा भाई तेरा तो बढ़िया काम हो, गब्बर गया पात का है। और दो मेहमान नीचे आ गए थे, उन्होंने नाश्ता पानी कराया। फोन आया था, फोन आया था मैं खुशी खुशबू आ रहा है उसका, तो कई नाम बताते हो अपने, मगर खुशबू भी खुशबू भी कहते हैं, खुशी भी कहते हैं। तो आज बनाया कड़ी चावल, इतनी ठंड में कड़ी चावल बनाए हैं। ठंड हो रही कब जाके, ठंड नहीं हो रही है, मेरी जाए कंबल में पड़े तो कंबल को मत ले ले करो कंबल को, अरे कहां ठंडा हो, ऐसा मौसम पता अच्छा हो कड़ी चावल बनाने। तो कड़ी चावल बनाए आज, मैंने तब तक खाए नहीं, लेकिन सब बोल रहे हैं कि अच्छे बने हैं। कैसे लगे कड़ी चावल, खाए नहीं खाए? बहुत अच्छे बने भाई, खाए चावल नहीं खाए, मैंने रोटी रात खड़ी कड़ी रात रोटी खाई। ठंडी चीज खाने को मना कर रखी है, खांसी हो रही पापा जी के, तो डॉक्टर साहब ने मना करी थी कि ठंडी चीज नहीं खाना, तो पापा जी ने सिर्फ कड़ी कड़ी खाई है, वो बोल रहे चावल नहीं खाए, तो जब पापा जी दिक्कत हो जाए कड़ी चावल को मनाए। इकासी से पहले बनाए थे, एक दिन पहला ना, नहीं इकासी वाले दिन बनाई थी, फिर मन्ना ने खाई नहीं थी, एक महीना हो चुका था, मम्मी भी खाओ और हमने तो खा लिए थे 15-20 दिन पहले। मम्मी ज्यादा व्रत रहती है और अब कभी पूरे महीने का व्रत है, ये माँ का व्रत है एक महीने का पूरा, और ये अगले महीने खुलेगा, पूर्णवासी पे व्रत खुल जाएगा मम्मी का, पूरा एक माँ का व्रत है। चार महीने तो व्रत रहूं। अच्छा, चार व्रत, साल में चार व्रत ऐसे रहती है बिल्कुल पूरे महीने के, उसमें एक दिन नहीं छोड़ती बिल्कुल भी, और ये जुम्मे के सोमवार के भोलेनाथ जी के या वैभव लक्ष्मी जी के ये व्रत तो मम्मी रहती रहती है, और शनिवार का भी रहती है, और एकादशी उसमें लग रही 14 के रहते हैं, 14 पूर्णवासी का व्रत रहती है, तो व्रत के तो भंडारे लगे रहते हैं मम्मी के। अच्छी तो बात है, ढेर ज्यादा व्रत रहती है, पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती है, व्रतों से इस सब पार उतर रहे हैं, व्रत ही फाल में। पापा जी पापा जी रहते हैं भाई, पापा जी आज कोई व्रत नहीं रहे, पहले रहे होगे जो रहे होगे, अब कोई व्रत नहीं रहते मेरे सामने, तो रहे पापा जी। अब मम्मी रहने वाली है व्रत, हम भी व्रत रह लेते हैं, मैं सावन का रहता हूँ जब तक, वो सोमवार का भाई पूजा पूरे सावन के व्रत रहती है, ऐसे ही कट जाते हैं साल महीने दिन, पता मिलने लगता जब व्रत रहने लगा। और मम्मी को देखिए, चार महीने साल में, चार महीने तो पूरा परमानेंट चार महीने बढ़ती रहती है, ये माँ का व्रत हो गया, एक कत्तक का व्रत हो गया, एक सावन का व्रत हो गया, एक भादवा, ये चार महीने पूरे बढ़ती रहती है मम्मी। नॉर्थ रहे अलग, नौ नॉर्थ थे, दो फिर आते साल में, आते हैं चार फेरी, और दो व्रत, दो बार व्रत रहते हैं, तो आज के व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, राम राम जी, तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, राम राम जी।